नमस्कार दोस्तों, हरियाणा ऑनलाइन प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, ग्रुप डी की प्रत्येक शिफ्ट में दर्पण संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे, तो हम आशा करते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आज हम दर्पण यानी मिरर टॉपिक लेके आए हैं, ताकि आपको हरियाणा पुलिस ग्रुप कांस्टेबल और एसआई में इसका फ़ायदा मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं। दर्पण तीन भाग होते हैं दर्पण के दोस्तों, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, यानी कॉनकेव, कॉनवेक्स और प्लेन मिरर। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। दोस्तों, जो अवतल दर्पण होता है वो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, जैसा आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। तो देखिए, इसमें जो मैंने आपको ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये है ऑब्जेक्ट की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति क्या है। और जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, ये है प्रतिबिंब की स्थिति यानी इमेज की पोजीशन। साइड में मैंने आपको बताया है, जो पी होता है वो ध्रुव यानी पोल होता है, एफ होता है फोकस, और सी होता है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ओमेगा यानी अनंत, इसको डब्लू भी बोल सकते हैं हम, इन्फिनाइट के द्वारा भी हम इसको दर्शाते हैं। तो देखिए, पहली पोजीशन, यदि वस्तु एक नंबर पे यानी अनंत पे रखी हो, क्योंकि वस्तु यहाँ डब्लू पे रखी गई है, डब्लू है अनंत, तो वस्तु एक नंबर पे रखी जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक वो होता है जो जिस साइड में इमेज यानी ऑब्जेक्ट रखा गया है उसी साइड में यदि इमेज बनती है तो वो वास्तविक होगा, और यदि वो नीचे की साइड यानी इन्वर्टेड बनता है तो उल्टा होगा। तो दोस्तों, पहली की जो पांच कंडीशन है, इनमें हमेशा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखिए, पहली पोजीशन में दिया है वस्तु की स्थिति जो अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस पे, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो सबसे छोटा प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। यानी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि किस समय पर जो प्रतिबिंब सबसे छोटा होगा, यानी वस्तु जब अनंत पर रखी हो और जो प्रतिबिंब फोकस पर बनना हो तो प्रतिबिंब सबसे छोटा होगा। अब देखिए कंडीशन नंबर दो, यानी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो, डब्लू और सी के बीच में यदि वस्तु है यानी दो नंबर पे है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो दो नंबर पे, मैंने नीचे आपको ब्लू पेन से दिखाया है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा हमेशा। दोस्तों, आप ये डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिए, पूरी तरह से इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इसी डायग्राम के द्वारा आपको यदि कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप आसानी के साथ सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस और केंद्र के बीच में होगा, यानी सी और एफ के बीच में। कंडीशन नंबर तीन देखिए, यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है, यानी सी पे वस्तु रखी गई है तीन नंबर, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा, और जो वस्तु की साइज होगी वो हमेशा वस्तु के बराबर ही होगी, यानी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज का होगा। अब देखिए कंडीशन नंबर चार, कंडीशन चार में दिया गया कि वस्तु की स्थिति यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी चार नंबर पे जो सी और एफ के बीच में हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमेशा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मैंने नीचे जो चार नंबर से आपको दिखाया है, जैसे जैसे हम अनंत की साइड जा रहे हैं तो जो वस्तु यानी प्रतिबिंब की स्थिति है वो बढ़ रही है, देख रहे होंगे आप, एक नंबर से बड़ा है, दो नंबर, इससे बड़ा तीन नंबर, इससे बड़ा चार नंबर, यानी वस्तु अनंत की तरफ जाएगी, प्रतिबिंब अनंत की तरफ जाएगा तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता रहेगा। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। अब देखिए कंडीशन नंबर पाँच, यदि वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी, यानी पाँच नंबर पर जो हमने वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब आपको अनंत पर दिखाई देगा। अब देखिए छः नंबर, छः नंबर दोस्तों वैसे भी सबसे अलग होता है, सिक्स आप देख रहे होंगे क्रिकेट में भी, आपको जो छक्का होता है वो अलग ही दिखाई देता है, वैसे भी आप समझ रहे होंगे, यानी वस्तु की स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच में। यदि वस्तु फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी, यदि दर्पण के पीछे बनती है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। सिर्फ ये अवतल दर्पण में एक कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों, इस पूरे डायग्राम को आप अच्छे से समझना, आपका कोई भी जो ये क्वेश्चन है नहीं बचेगा इससे। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधे बनते हैं, मैंने नीचे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है,
इस डायग्राम में पहले वस्तु को एक नंबर पे यानी अनंत पे रखा है, उसके बाद दो नंबर पे। तो दोस्तों यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा फोकस पर होता है। मैंने ब्लू पेन से दिखाया है, नहीं फोकस पे एक नंबर लिख रखा है। और यदि वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच में यानी डब्लू और पी के बीच में यदि वस्तु कहीं भी रखी हो तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, और जो प्रतिबिंब का प्रकृति होती है वो आभासी और हमेशा सीधी होती है, यानी प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और हमेशा सीधा ही होगा। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों सिर्फ ये दो कंडीशन ही होती हैं अप्लाई, बाकी क्योंकि अनंत पर हो तो फोकस और पोल के बीच में, और बाकी कहीं पे भी यदि वस्तु रखी गई है तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका फोकस और पोल के बीच में, यदि अनंत पे हो तो बनेगा प्रतिबिंब पे फोकस पे सॉरी। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर और सीधे बनेंगे। नोट देके लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए दर्पण के पीछे चांदी या पारे की परत होती है। नंबर दो, यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू वी चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा, यानी कोई व्यक्ति यदि वी की चाल से जा रहा है तो दर्पण में देख रहा है तो उसे यह लगेगा कि वो डबल स्पीड से उसकी तरफ प्रतिबिंब आ रहा है। अब देखिए कंडीशन नंबर तीन, संपूर्ण या पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण को वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए, यानी यदि कोई वस्तु को अपने दर्पण में वस्तु की परछाई देखना चाहता है तो हमेशा जो दर्पण होता है उसको वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। अब देखिए दर्पण संबंधित सूत्र, तो ये होता है 1/f बराबर है 1/u + 1/v, या f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी है, यानी बीच में जो साइन आता है वो प्लस का होगा। यदि हम यहाँ लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। अब देखिए दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पीछे की कुछ परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है तो वस्तु की आकृति अवतल दर्पण में कैसी होगी। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कंडीशन नंबर 1 में कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो यानी अनंत की तरफ हो तो वस्तु की आकृति हमेशा उल्टी होगी और छोटी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दांतों को बड़ा करके देखने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। तो डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दोस्तों इसके बाद हम हरियाणा पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, पूरे के पूरे 90 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना भी न भूलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गाड़ी की हेडलाइट और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो ये गाड़ी में जो पीछे का दृश्य देखते हैं उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइटों में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो ये होता है उत्तल दर्पण, जो स्ट्रीट लाइट गलियों में लाइटें लगी होती हैं उनमें उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, एक समतल दर्पण में एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की चाल से आ रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में किस गति से आता हुआ प्रतीत होगा। दोस्तों मैंने पीछे नोट में आपको ये बताया था, यदि कोई व्यक्ति वी चाल से आ रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब उसे 2v चाल से आता हुआ दिखाई देगा, यानी वो 10 की चाल से जा रहा है तो उसे प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देगा 20 सेंटीमीटर की चाल से। तो इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। खुद का चेहरा देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो खुद का चेहरा देखने के लिए हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी जो दर्पण बीच में से भी अपने किनारों से भी समान साइज़ का हो, जिसका आकार कहीं पे भी मोटा या पतला न हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी भी दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार क्या होना चाहिए। ये भी दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का साइज होगा वस्तु के साइज से आधा, यानी वस्तु का आधा दर्पण का साइज होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो ए में पूछा गया कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी और बी में पूछा गया कि उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ए में 1/f बराबर है 1/v + 1/u,
तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें u और f की वैल्यू दी हुई है, तो v की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास आएगी 10 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी। मैग्नीफिकेशन को हम दोस्तों m से डिनोट करते हैं। मैग्नीफिकेशन होता है, माइनस का साइन यूज होता है, और ऊपर होता है प्रतिबिंब की दूरी और नीचे होता है वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं और वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला हुआ हमारे पास m बराबर है माइनस v अपॉन u। तो हम v की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10 और u की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, तो u की वैल्यू भी 10 पुट कर देंगे तो मैग्नीफिकेशन आएगा हमारे पास माइनस वन। यदि मैग्नीफिकेशन माइनस वन आए तो हमेशा जो वस्तु होगी वो वास्तविक और उल्टी होगी प्रत्येक कंडीशन में दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की स्थिति और वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? तो इसमें दोस्तों हम ये दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u, या हम बोल सकते हैं 1/u प्लस 1/v, बात सेम ही है। तो फोकस दूरी दी गई है हमें 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछ रखा है, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। यदि माइनस का निशान है तो हम ये देख लेंगे कि जो वस्तु की आकृति होगी वो, यानी स्थिति होगी या प्रकृति होगी, वो होगी उल्टी और वास्तविक। धन्यवाद दोस्तों, ये था आपके लिए दर्पण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।